गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। क्योंकि आज है संडे तो आज वो कहीं गेड़ी मारना तो हमारा बनता ही था। तो आज हम आ गए फरीदाबाद के एक कैफे में, जो कि इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था उसके बारे में और कुछ हद तक वो वायरल भी है। फूड ब्लॉगर्स भाई हमें बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आज हम आ गए हैं रोमियो कैफे में, जो कि N85 में है। तो जल्दी से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या वैरायटी है, किस टाइप का फूड है। फूड ब्लॉगर जितना पढ़ा चढ़ा के बोलते हैं वो एक्चुअल में है या नहीं है वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी, फुल डिटेल दूंगी आपको। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक कर देना और फिलहाल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। अंदर जाते ही जो वाइब थी ना इस रेस्टोरेंट की वो इतनी अमेजिंग थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। पूरी रोमियो एंड जूलियट वाली थीम बेस्ड कैफ़े है ये। अंदर पूरा पिंकिश मेन्यू भी आप देख सकते हैं, इनका पिंक कलर का है और ये मेन्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लास्ट में इसका एड्रेस भी मेंशन है, बाकी जो एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी इसका। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑर्डर किया बर्गर, क्योंकि बच्चों का बहुत मन था खाने का। अब शक्ल देख के आपको लग ही रहा होगा कि एकदम यूनिक है। कई बार होता है शक्ल अच्छी होती है और अकल अच्छी नहीं होती, तो हमने अकल भी इसकी चेक की थी। इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद हमने यहाँ पे मंगाया था मिक्स सॉस पास्ता। और इस पास्ते में ना सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि सारी चीज़ें ना एकदम बैलेंस्ड थी, कुछ भी ज़्यादा कम नहीं था। चीज़ की क्वांटिटी अगर देखी जाए या फिर मेयोनीज़ की क्वांटिटी देखी जाए, क्रीम की क्वांटिटी देखी जाए या टेस्ट वाइज देखा जाए, सब कुछ एकदम परफेक्ट जिसे बोलते हैं ना वो था ये पास्ता। उसके बाद हमने एक यूनिक चीज़ मंगाई जो हमें थोड़ी सी डिफरेंट लग रही थी मेन्यू के अंदर। इसका नाम था सिग्नेचर क्रिस्पी मशरूम बॉल, जिसके अंदर नीचे तो राइस थे, उसके ऊपर यहाँ पे थे क्रिस्पी क्रंच ऑफ मशरूम, मतलब ऐसा कुछ उसके अंदर मेंशन किया गया था। इसमें फ्रेश साल्सा था, मैक्सिकन बीन्स थी, इसके अंदर कॉर्न चीज़ सॉर क्रीम थी। मतलब सिंगल पर्सन के लिए ये एक टाइम की मील बन सकती है, मतलब ये इतना हैवी था। उसके बाद हमने मंगाया यहाँ पे कॉफ़ी। कॉफ़ी की डेकोरेशन देख के तो वैसे दिल जीत लिया और कॉफ़ी का टेस्ट वाज अमेजिंग। साथ में दी थी एक कुकी, कुकी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे यहाँ का ये लगा कि इन्होंने काफ़ी सारे टॉयज़ और गेम्स रखे हुए थे कि अगर आप ऑर्डर करते टाइम बोर हो रहे हैं तो आपको बोर होने का आपको स्क्रीनिंग टाइम करने की ज़रूरत नहीं है, आप गेम्स खेल सकते हैं। तो हमने भी थोड़ा टाइम पास किया इसके साथ। तो इस लास्ट में दर्श ने मंगाया था चॉकलेट ब्राउनी वॉफिल विद आइसक्रीम और इसको आने में बहुत टाइम लगा था, तब तक हम गेम प्ले कर रहे थे। वैसे ओवरऑल सर्विस इनकी थी काफ़ी अच्छी, क्विक सर्विस थी, सारी चीज़ें ऑन टाइम थी, बस ये थोड़ा सा लेट हुआ था, आई डोंट नो व्हाई।
तो गाइज मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत ही अमेजिंग रहा। मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि एक बार तो आपको इस कैफे को ट्राई करना ही चाहिए। तो जैसे ही हम लोग घर के लिए निकले वैसे ही बारिश हो चुकी थी बहुत ज़्यादा तेज़। तो गाइज इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव फन। जय माता दी। अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।